आने वाले 21 से 23 अक्टूबर को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक इजलास में पाकिस्तान खुद को ग्रे फहरिस्त से बाहर निकालने के लिए अमेरिका में लॉबिंग का सहारा ले रहा है, जिसके लिए टेक्सास की एक एजेंसी लिंडन स्ट्रेटजिक से राबता किया है। पाकिस्तान को खुद को ग्रे फहरिस्त से बाहर निकालने के लिए 39 में से 12 मुल्कों का साथ चाहिए होगा। लिंडन सदर ट्रंप के हुकाम को पाकिस्तान के दहशतगर्द तंजीमों और उनके अकाबरीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई को पेश करेगा ताकि मिजाज को पाकिस्तान के माकूल किया जा सके।